मराठा आरक्षण को लेकर पुणे मुंबई हाईवे जाम, धाराशिव में रोकी ट्रेन, 8 जिलों में प्रदर्शन जारी। सरकार ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक। मणिपुर में एसडीओपी को मारी गोली, हुई मौत। हेलीपैड की जांच करने गए थे, जुमे को पब्लिक हॉलीडे घोषित करने वाले स्टूडेंट बॉडी मेंबर्स पर एफआईआर। महुआ बोली, सरकार मेरा फोन हैक करने की कोशिश कर रही। राहुल ने कहा, कांग्रेस नेताओं को आया हैकिंग अलर्ट। आतिशी बोली, 2 नवंबर को केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं, इसके बाद झारखंड, केरल और तमिलनाडु के सीएम का नंबर। उमर खालिद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, यूएपीए के विभिन्न प्रावधानों को दी है चुनौती। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू को अंतरिम जमानत, हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य खराब होने पर दी 28 दिन की राहत, 53 दिनों से हैं जेल में। पंजाब में आप एमएलए पर ईडी की रेड, मोहाली, अमृतसर, जालंधर में घर दफ्तर में जांच, ड्रग केस में मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाले से जुड़े हैं तार। बेलगावी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे महाराष्ट्र के 3 मंत्री और 1 सांसद, कर्नाटक स्थापना दिवस से पहले लगाया प्रतिबंध। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ केरल में एफआईआर दर्ज, धार्मिक नफरत फैलाने के लगे आरोप। फिलिस्तीन को फंड जारी नहीं करेगा इसराइल, फाइनेंस मिनिस्टर बोले, वो आतंकियों की मदद करते हैं, उन्होंने नरसंहार का किया समर्थन। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।